प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आधुनिक पर्यटन भवन का किया निरीक्षण, कहा श्रद्धालु और पर्यटकों को एक छत के नीचे मिलेगी अच्छी सुविधा। डेरवा टीकर शराब भट्टी के सामने जमीनी विवाद में हुई हत्या का सिकरीगंज पुलिस ने किया खुलासा, दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत और प्रदेश की लगातार दूसरी बार कमान संभालने पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने जश्न मनाकर किया मिष्ठान का वितरण, दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक बधाई। सब जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीम रही उपविजेता, टीम के गोरखपुर वापस आने पर खिलाड़ियों को दी गई बधाई, किया गया सम्मानित। और गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए दो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 229। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।